दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप क्रिकेट की इंटरेस्टिंग खबरें कभी मिस ना कर पाओ। आईपीएल 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी एबी डिविलियर्स करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर क्यों आरसीबी की टीम मैनेजमेंट विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाना चाहती है और क्या है ये पूरा माजरा, तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दें क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों तकरीबन डेढ़ महीने पहले आरसीबी ने 2019 के लिए विराट कोहली की ही कैप्टनसी ऑफिशियली अनाउंस कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि 2019 में भी आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली करने वाले हैं। पर लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि मैंने आपको कई वीडियोस के सारे बता चुका हूं कि जो आईपीएल 2019 के ऊपर वर्ल्ड कप का प्रहार काफी पड़ रहा है, पूरी विश्व से कई टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी पहले ही आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। साथ साथ विराट कोहली ने भी बीसीसीआई के सामने यह पूरा नोटिस दे दिया था कि काफी इंडियन बॉलर्स को आईपीएल से रेस्ट देना चाहिए, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे, साथ ही साथ उनकी टीम में खेलने वाले उमेश यादव का नाम भी शामिल था। और साथ साथ दोस्तों उसके बाद बीसीसीआई ने यह भी नोटिस जारी किया था कि आईपीएल 2019 से विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ियों को भी रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 पे सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर रहना है। और इसी को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है उसके ऊपर भी शायद बीसीसीआई का दबाव पड़ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि विराट कोहली के ऊपर पहले ही आईपीएल में काफी प्रेशर रहता है और अब अगर दोबारा से कैप्टनसी का भी प्रेशर रहा तो वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कहीं डाउन ना हो जाए। और अगर वर्ल्ड कप 2019 में विराट कोहली की परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो इंडिया जो वर्ल्ड कप के सपने देख रहा है शायद ये एक सपने ही बन के रह जाएंगे। और इसी को देखते हुए अगर विराट कोहली को आरसीबी ने कप्तानी से हटा दिया तो साहिर सी बात है कि एबी डिविलियर्स को ही कप्तानी दी जा रही है। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो ये न्यूज है ये काफी वायरल हो रही है वेबसाइट पे, पर लेकिन इस न्यूज को हम गलत भी नहीं ठहरा सकते और यह न्यूज कहीं ना कहीं देखी जाए तो कुछ ना कुछ इसका मतलब जरूर निकल रहा है। दोस्तों हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी कुछ हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली को बेशक आईपीएल से रेस्ट ना देते हुए शायद कैप्टनसी से रेस्ट दे दिया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए आरसीबी का कप्तान, विराट कोहली या एबी डिविलियर्स? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।